Hey, what's up guys? I hope you all are doing well. So today I am sharing with you my huge Coralberg shopping haul. I hope you will love this video. If you like, then please don't forget to subscribe my channel also and then like this video also. So yeah, let's get started. सबसे पहले मैंने जो लिया वो है ये शर्ट टाइप ऑफ टॉप जो कि आप देख सकते हो, वो फुल स्लीव्स है और स्लीव्स में जो है आपको डिज़ाइन भी मिलता है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो. और देन यहाँ पे थोड़ा सा जो है खुला टाइप ऑफ है एंड देन फिट से यहाँ पे जो है डबल है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये टॉप. एंड पहनने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप समर में बहुत ही इजीली इसको कैरी कर सकते हो बिकॉज ये कॉटन का है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है. सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये लिया था और ये मैंने शायद 150 का कुछ लिया था. ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे. तो नेक्स्ट मैंने जो लिया था वहाँ से वो है ये और एक टॉप जो कि ब्लैक कलर में है. आप देख सकते हो नीचे जो है आपको रबर दिया हुआ है, आपके कमर में ये पड़ेगा और वहाँ थोड़ा सा टाइट हो जाएगा. और सामने जो है आपको ऊपर के साइड में नेट दिया हुआ है, नेट का डिज़ाइन जो कि आप देख सकते हो. एंड इसका जो स्लीव्स है वो शॉर्ट है और इसमें जो है ब्लैक कलर के ऊपर वाइट डॉट डॉट प्रिंट दिया हुआ है. और ये भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है जो कि समर में आप इजीली कैरी कर सकते हो. तो ये मैंने लिया था आई थिंक 100 का कुछ. ओके, सो नेक्स्ट मैंने वहाँ से जो लिया था वो है अगेन एक टॉप जो कि ब्लैक कलर में है एंड इसमें जो है फ्लावर प्रिंट दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हो मल्टी कलर में. एंड इसका भी जो स्लीव है वो फुल स्लीव्स है और राउंड नेक है इसका. और इसका जो कपड़ा है वो आई थिंक सिल्क और कुछ मिक्स्ड होगा. एंड ये भी आई थिंक विंटर में या समर में आप इजीली कैरी कर सकते हो. सो और ये था आई थिंक मुझे पड़ा था कुछ 100 and 150 का. सो नेक्स्ट मैंने ये लिया था वहाँ से. तो उसके बाद मैंने जो लिया था और एक टॉप जो कि आप देख सकते हो एक ब्लू कलर में है एंड उसमें जो है वाइट कलर का प्रिंट दिया हुआ है. और इसका जो स्लीव्स है वो 3/4 ऑफ स्लीव्स होगा एंड इसका भी नेक जो है राउंड नेक है और आगे से जो है आपको बटन दिया हुआ है, आप यहाँ से इजीली इसको खोल सकते हो. और यहाँ से जो है बटन दिया हुआ है जो कि आप इसका जो है स्लीव्स आप ऊपर की तरफ करके ऐसे स्टाइल कर सकते हो. और ये भी कुछ सिल्क का मिक्स्ड होगा और ये भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है जो कि आप इजीली कैरी कर सकते हो. और ये भी शायद मुझे कुछ 150 का पड़ा था. सो नेक्स्ट मैंने जो लिया था वहाँ से वो है ये. ओके, तो उसके बाद मैंने जो लिया था और एक टॉप जो कि आप लोगों ने मुझे वेयर करते हुए काफ़ी बार देखा होगा, ये एक वाइट कलर का टॉप जो कि आप देख सकते हो. इसका जो स्लीव्स है ना कोल्ड शोल्डर है एंड देख सकते हो. और इसके जो है आगे आपको बटन का दिया हुआ है जो स्टाइल के लिए दिया हुआ है ऑब्वियसली. और इसका जो मटेरियल है ना गाइस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, कुछ नायलॉन टाइप ऑफ और कॉटन टाइप ऑफ मटेरियल है, दोनों मिक्स्ड होगा. और ये पहनने पर भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैं डेली वेयर में इसको यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है. सो नेक्स्ट मैंने वहाँ से ये लिया था और ये भी शायद मुझे कुछ 100 और 150 का पड़ा था. सो नेक्स्ट मैंने वहाँ से मैंने अगेन एक टॉप लिया था जो कि आप देख सकते हो ऐसा. इसका जो कलर है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस और ऊपर जो है ब्लैक कलर का बड़ा वाला जो है डॉट डॉट दिया हुआ है. एंड इसका भी स्लीव्स जो है शॉर्ट है और इसका भी कपड़ा जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है. मैं ज़्यादातर जो है सॉफ्ट कपड़ा जो है मटेरियल जो है वो भी लेती हूँ क्योंकि अभी समर का टाइम चल रहा है और समर में ये हमें पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. सो नेक्स्ट मैंने ये लिया था वहाँ से और ये भी शायद मुझे कुछ 100 का पड़ा था. सो या ओके, तो बहुत हो गई टॉप की बारी, अब आते हैं पैंट की बारी. सो समर में पहनने के लिए मैंने 3/4 जो 3/4 टाइप ऑफ पैंट होता है वो मैंने लिया था जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे रबर सिस्टम दिया हुआ है जो कि हर किसी के लिए इजी है. और नीचे जो है ऐसा डोरी दिया हुआ है जो कि आप बांध ही सकते हो.
और ये पिंक कलर में है और उसके ऊपर व्हाइट और ग्रीन एंड ब्लैक कलर का जो है डिज़ाइन किया हुआ जो कि आप देख सकते हो। और ये मुझे कुछ 150 का पड़ा था जो कि सामान में आई थिंक पहनने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मैं डेली वेयर में इसको यूज़ करती हूँ। तो नेक्स्ट मैंने ये लिया था वहाँ से। ओके, तो उसके बाद मैंने लिया था वहाँ से एक कॉटन का पाजामा जो कि आप देख सकते हो डेली वेयर में आप इजीली घर पे इसको वेयर कर सकती हो। और इसका भी जो है कमर में आपको रबर दिया हुआ है जो कि हर कोई इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है पिंक कलर में और इसमें भी जो है वाइट एंड ब्लैक कलर का डिज़ाइन दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हो। और ये दोनों जो है कॉटन का फैब्रिक है जो कि समर में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है हमारे लिए। सो नेक्स्ट मैंने ये लिया था और ये भी मुझे कुछ 150 का पड़ा था। ओके, सो नेक्स्ट मैंने वहाँ से जो लिया था वो है ये एक पटियाला टाइप ऑफ पैंट जो कि आप देख सकते हो। और ये एक ब्लू कलर में है और इसके ऊपर भी जो है वाइट एंड पिंक कलर का डिज़ाइन किया हुआ है जो आप देख सकते हो ट्रायंगुलर शेप में। और नीचे भी आपको जो है रबर दिया हुआ है और ऊपर भी रबर दिया हुआ है। सो नेक्स्ट मैंने ये लिया था वहाँ से और इसका जो मटेरियल है वो नायलॉन मटेरियल है। सो और ये भी शायद मुझे कुछ 150 का पड़ा था और ये एक पटियाली टाइप ऑफ पैंट है बट आप इजीली घर पे वेयर कर सकते हो डेली वेयर के लिए। ये सब था मेरा डेली वेयर का कुछ कपड़ा है। एंड नेक्स्ट मैंने जो लिया था वहाँ से वो है एक पाजामा काइंड ऑफ प्लाजो बट इसका जो है घेर इतना ज़्यादा नहीं है। सो और इसका जो कलर है देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बर्गंडी काइंड ऑफ कलर है और इसमें जो है स्टार डिज़ाइन किया हुआ है। और इसका जो मटेरियल है वो कॉटन का है। सो एंड इसका कमर में जो है रबर दिया हुआ है जो कि इजीली हर किसी के कमर में आ जाएगा। एंड और ये शायद मुझे कुछ 150 का पड़ा था। सो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सो आप डेली वेयर के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो एंड बाहर के लिए आप इसको ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैंने वहाँ से ये लिया था। ओके, तो उसके बाद मैंने वहाँ से लिया था एक टी शर्ट ब्लू कलर का जो कि आपने काफ़ी वीडियोस में शायद मुझे देखा होगा वेयर करती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि ब्लू कलर में आप देख सकते हो। एंड इसका जो स्लीव्स है वो भी शॉर्ट भी नहीं है एंड इतना लॉन्ग भी नहीं है, ग्लास टाइप ऑफ स्लीव्स है इसका। और ये ब्लू कलर में है एंड आगे से आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा एक डिज़ाइन दिया हुआ है स्टोन में। सो और नीचे भी जो है आप स्ट्रेचेबल है सो आप इजीली इसको कैरी कर सकते हो। सो ये मुझे काफ़ी पसंद आया है एंड ये शायद मुझे कुछ 200 का पड़ा था। मैंने काफ़ी बार इसको यूज़ किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस। सो नेक्स्ट मैंने ये लिया था वहाँ से। ओके, तो उसके बाद मैंने फिर से लिया था एक टॉप, आई थिंक ये भी आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा मुझे वेयर करते हुए जो कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्रिंटी टॉप है गाइस। ये भी एक बर्गंडी कलर में है एंड इसका जो स्लीव्स है देख सकते हो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है गाइस, बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन है। और ये जो है फुल स्लीव्स है एंड पूरे टॉप के आगे में आप देख सकते हो मोती दिया हुआ है एंड यहाँ से कुछ लिखा हुआ है शायद स्टोन में। और इसका जो नेक है वो राउंड नेक है एंड पीछे से जो है ये प्लेन है आप देख सकते हो। सो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया गाइस एंड ये शायद मुझे कुछ 300 का पड़ा था। सो ये मैं ये लिया था वहाँ से। ओके, तो उसके बाद मैंने जो लिया है वहाँ से वो है एक ब्लैक कलर का ये पैंट जो कि आप देख सकते हो जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है ये वाला। और इसका भी जो है कमर में आपको स्ट्रेचेबल मिलता है एंड आगे से जो है दो पॉकेट भी रहता है आपको एंड साइड्स पे जो है आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा एक डिज़ाइन दिया हुआ है। एंड
या और ये शायद मुझे कुछ 250 या 300 का पड़ा था। एंड ये समर में या विंटर में दोनों टाइम में आप इजीली वेयर कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो नेक्स्ट मैंने ये लिया था वहाँ से। ओके, तो उसके बाद मैंने जो लिया था वहाँ से वो है दो ड्रेसेस लिया था मैंने, जो कि शॉर्ट ड्रेस है, आप इजीली घर पे भी वेयर कर सकते हो। तो पहले वाला जो मैंने लिया था वो है ये एक वाइट कलर का, जो कि आप देख सकते हो आगे आपको भी का कुछ डिज़ाइन दिया हुआ है। एंड इसका जो स्लीव्स है वो शॉर्ट है और ये जो है इसका लेंथ आप देख सकते हो, और नीचे भी जो है आपको डिज़ाइन दिया और अम्ब्रेला काइंड ऑफ डिज़ाइन दिया हुआ है नीचे, और ये भी जो है स्ट्रेचेबल है, जो कि आप इजीली वेयर। और ये शायद मुझे कुछ 200 का या 150 का पड़ा था। सो नेक्स्ट मैंने जो है ये लिया था। ओके, सो नेक्स्ट मैंने फिर से एक ड्रेसेस लिया था जो कि पिंक कलर में है, आप देख सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है इसका कलर, और उसका नेक जो है राउंड नेक है, इसका भी स्लीव्स नहीं है। सो और ये भी कुछ उस तरीके का है, एंड नीचे जो है आपको एक राउंड शेप का या अम्ब्रेला शेप का जो भी बोलो दिया हुआ है, एंड ये भी स्ट्रेचेबल है, जो कि हर कोई यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका साइज आई थिंक कुछ मीडियम है, और इसका कमर में जो है एक बेल्ट तरीके का दिया हुआ है, जो कि स्टाइल के लिए ईजिली यूज़ कर सकते, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगता है ये। पीछे आपको लेके जाना है एंड देन इसको दोनों तरफ से इसको स्ट्रिच कर लेना है। सो नेक्स्ट मैंने ये लिया था वहाँ से, और ये भी शायद मुझे कुछ 250 या 300 का पड़ा था। सो मैंने नेक्स्ट ये लिया था वहाँ से। तो ड्रेस और कपड़े में मैंने जस्ट ये सब भी लिया था, एंड उसके बाद मैंने लिया था वहाँ से एक शू, जो कि आप देख सकते हो इजीली बहुत अच्छे से आप इसको वेयर कर सकते हो। एक ब्लू कलर का शू है, और इसमें जो है आगे से आपको गोल्डन कलर का एक डिज़ाइन दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और इसको मैं डेली वेयर में यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। एंड इसका जो मटेरियल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है एंड बुरा भी नहीं है, बट प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड ये मुझे शायद कुछ 150 का पड़ा था। सो या सो ओके गाइस, मैंने करोल वर्क से इतना सारा सामान लिया था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड शेयर भी ऑब्वियसली कर देना अगर आपको पसंद आया है तो। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।